रक्षाबंधन के मौके पर गज केसरी योग का निर्माण, 54 घंटों में किन लोगों की बदल जाएगी किस्मत, गज केसरी योग में किन लोगों के बनेंगे कार्य, गज केसरी योग में किन लोगों को होगी धन की प्राप्ति, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस रक्षाबंधन प्रातः सुबह 8 बजे से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और ऐसे में 54 घंटे यानी कि गज केसरी योग का प्रभाव इन 54 घंटों में 12 की 12 राशियों को आखिरकार क्या कुछ देकर जाएगा। क्यों कहा जाता है कि भाई गज केसरी योग में व्यक्ति के तमाम कार्यों की पूर्ति होती है और इसी योग में व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसकी भी ख्वाहिश पूरी होती है। आइए जानते हैं मयंक जी से कि भाई 12 की 12 राशियों के लिए गज केसरी योग क्या कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई गज केसरी योग जो कि ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही शुभ संयोग या फिर योग माना जाता है, ये इसका निर्माण होता कैसे, मयंक जी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गज केसरी योग को ज्योतिष में बहुत ही पावरफुल योगों में से एक माना जाता है जी। जैसे कि मालव्य नाम के पंच महापुरुष राजयोग शुक्र से बनता है, तो रुचक नाम का मंगल से बनता है पंच महापुरुष, शश राजयोग शनि से बनता है, भद्र नाम का राजयोग बुध से बनता है। इसी तरीके से जब गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए तो ये गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है और गज केसरी राजयोग जो यानी कि बहुत ही पावरफुल होता है। देखिए पहले जमाने में ये कह करते थे कि जिसके पास बहुत सारे दौलत होती थी, हाथी घोड़े हुआ करते थे जी, बहुत सारी सेना होती थी, सोना हुआ करता था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, तो कहते थे कि उसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग था। तो ज्योतिष में आदि काल से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं, आज भी वही चीज़ गज केसरी राजयोग बोलते हैं। तो आज के ज़माने में आप ये मानिए जिसके लाइफ में लग्जरी लाइफ है, जिसकी जिसके लाइफ में उच्च कोटि के सुख साधन है, यानी कि उनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और जो लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो लोग लाखों में कमाते हैं महीने में, या उच्च पद पर हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हैं, चाहे अपने बिजनेस में हों, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, जो उच्च पद पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग कहीं ना कहीं होता है, उसी के कारण व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति मिलती है। देखिए गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु के साथ युति हो जाए या गुरु के साथ समतक सम सप्तक योग बन जाए तो ये योग बहुत ही पावरफुल हो जाता है, यानी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं, यानी कि बल बुद्धि के बल पर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनके पास धन धान्य की मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होती है। देखिए बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी होते हैं। अगर ज्ञान के क्षेत्र में जाएं, धर्म के क्षेत्र में जाएं, ज्योतिष के क्षेत्र में जाएं तो बहुत जल्दी नाम कमा लेता है। अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि रहती है और बहुत जल्दी सफलता भी मिलती है क्षेत्रों में। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे शिक्षक भी होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे गायक होते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा पर मन पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी, लेकिन कुंडली में ये चीज़ याद देखिए दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है उसमें आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होगी, इसके साथ कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ राहु बैठ गया है तो गज केसरी राजयोग का जो फल है वो शुभ फल नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेंगे। अगर यहाँ शनि बैठ गया है तो भी खराब होगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कोई पापी ग्रह इनके साथ ना बैठे, तभी गज केसरी राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। और अगर सूर्य भी साथ में बैठा है तो भी गज केसरी राजयोग बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। अगर जब जब गज केसरी राजयोग में कोई भी ग्रह पाप प्रभाव में होता है, अस्त होता है, तो उस राजयोग का उतना शुभ फल नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग फोन करके कहते हैं सर मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है लेकिन मेरे को शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, तो ये कारण होता है। गज केसरी से प्रभावित व्यक्ति ज्ञानी, धनवान होते हैं, ईमानदार होते हैं और धर्मात्मा किस्म के होते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग होता है वो पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य कमाकर इस जन्म में आया है और इस जन्म में भी लोगों का भला करने के लिए आया है। तो गज केसरी राजयोग के एक नहीं लाखों फायदे अगर गिनाने बैठेंगे तो हमारा कार्यक्रम
बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब मुद्दे पर आते हैं फटाफट से। बिल्कुल, आइए अब मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई गज केसरी योग के ये 54 घंटे आखिरकार 12 की 12 राशियों को क्या कुछ देकर जाएंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जानते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए गज केसरी राजयोग बहुत जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि 11वें स्थान में योग बन रहा है। धन लाभ होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, संतान सुख की वृद्धि होगी, आपकी संतान की समय तरक्की हो सकती है, संतान का रिश्ता भी आ सकता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपके मन में जो है शुद्ध विचार रहेंगे, मन शांत रहेगा, धर्म कर्म में जितनी रुचि रखेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होगा मेष राशि वालों। मैं जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है ये योग? देखिए, वृषभ वालों के लिए कर्म स्थान में योग बन रहा है तो कार्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है सुख साधन पर भी है, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। इस गज केसरी राजयोग में खरीद लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा और नौकरी में भी प्रमोशन होने की संभावनाएं इस समय पूरी पूरी बन रही है। गज केसरी योग में मिथुन राशि वालों के संसाधनों में कितनी वृद्धि होगी? देखिए, मिथुन राशि वालों के भाग्य स्थान में गज केसरी राजयोग बन रहा है तो भाग्य की वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, जीवन साथी की भी तरक्की होगी और यहाँ जीवन साथी का भाग्योदय भी होगा। कुल मिलाकर भाई बहन का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है जी। आपको क्या करना है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो पुखराज धारण कर लीजिए, या इस दिन आप हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगाइए या हल्दी से स्नान करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और मंदिर में पीले वस्त्र या बेसन के लड्डू का दान करें तो सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो ये हमने अब तक बात की मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए गज केसरी योग क्या कुछ लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या है इस योग में। देखिए, कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में योग बनेगा, चंद्रमा राशि का स्वामी अष्टम में गए गुरु के साथ में, गुरु के साथ चंद्रमा आता है तो कहीं ना कहीं शुभ रहेगा। अगर आप ज्योतिष धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचें तो बेहतर है। इस गज केसरी राजयोग का शुभ फल क्या मिलेगा आपको? अचानक से धन लाभ हो सकता है बिजनेस में जी। अचानक से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ आपको कहीं पैसा निवेश नहीं करना है, ना ही किसी परिवर्तन से बचना है। मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको रह सकता है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में होगा, तो उस चीज से भी बचना है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, तो ओवरऑल ये योग आपके लिए शुभ रहेगा। काम कारोबार के लिए भी ये योग सामान्य आपके लिए, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। आइए अब जानते हैं कि भाई सूर्य से प्रभावित सिंह राशि वालों को ये योग क्या कुछ दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी, उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह तय हो सकता है, सगाई हो सकती है, आपका वैवाहिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए ये गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा है, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी बेहतर समय है, जीवन साथी की भी तरक्की होगी, जीवन साथी की किस्मत भी इस समय साथ देगी, तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। काम कारोबार के लिए, व्यापारियों के लिए ये समय विशेष लाभकारी रहेगा। इस गज केसरी राजयोग में कवितारी व्यापारियों को बड़ा अच्छा धन लाभ होगा, बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। मैं जिस सिंह राशि वालों के बारे में आपने बताया, अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई कन्या राशि वाले जातकों का आर्थिक पक्ष इस गज केसरी योग से कितना मजबूत होने वाला है। देखिए, कन्या राशि वालों के इस समय क्या रहेगा, छठे भाव में ये योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी से इस समय घिरे रह सकते हैं इस गज केसरी राजयोग के दौरान आप, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की स्थिति छठे भाव में, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, फिजूल खर्च से इस समय आपको बचना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है कि केसर का तिलक नियमित रूप से माथे पर लगाएं या छाती पर लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आने वाले कुछ समय में ये उपाय आप कुछ महीनों तक करें तो आपको विशेष लाभ देगा। दूसरा, फिजूल खर्चे से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस समय कन्या राशि वालों, किसी परिवर्तन से आपको बचना चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए अब जानते हैं कि भाई शुक्र से प्रभावित तुला राशि वाले जातकों के बारे में, आखिरकार इन्हें गज केसरी योग किस तरह से इनकी तमाम इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तुला राशि वालों के लिए गज केसरी राजयोग बहुत ही उत्तम फल देगा, पंचम भाव में बन रहा है, संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति के भी योग है इस समय। कुल मिलाकर आपके संतान के लिए बहुत ही फेवरेबल समय, अगर उनका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था तो रिश्ता, सगाई इत्यादि हो सकती है। शिक्षा परीक्षा के लिए बेहतरीन समय, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार समय है, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए गज केसरी राजयोग बहुत ही शुभ रहेगा। जो लोग कला के क्षेत्र में, उनको भी लाभ देगा, नौकरी में भी आपको फायदा देगा, क्योंकि हर तरीके से फायदा लाभ ही देगा, क्योंकि ये
देखिए गज केसरी राजयोग हमने कहा ना जब त्रिकोण भाव में बनेगा जी। पंचम भाव त्रिकोण होता है तो वहां बनेगा तो विशेष लाभ देगा, नवम भाव में बनेगा तो भी विशेष लाभ देगा, लगन में बनेगा तो और भी बेहतर है। तो ये कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ योग बनते हैं तो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस योग में। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा मानसिक तनाव से बचें, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा सुख साधन के लिए बहुत अच्छा है, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, काम कारोबार भी आपका अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम धनु राशि की, जिनके स्वामी खुद गुरु बृहस्पति देव हैं, तो क्या लगता है इनके लिए क्या कुछ लेकर आए। देखिए धनु वालों के लिए ये योग बहुत शानदार है, गज केसरी राजयोग गुरु चंद्रमा से बनता है तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, आपके भाई बहनों की भी तरक्की होगी, आपका भी व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। इस समय मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी, तो कुल मिलाकर ये बेहतरीन समय है, इस समय का फायदा उठाना चाहिए। चलिए अब तक तो हमने बात की कि भाई मेष राशि से लेके धनु राशि वाले जातकों को ये गज केसरी योग क्या कुछ दे रहा है, लेकिन इस गज केसरी योग के ये जो 54 घंटे हैं यानी कि 54 आवर्स आखिरकार अब मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, काम कारोबार के लिए भी आपका बहुत अच्छा है, सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु बाधा से इस समय थोड़ा परेशान रह सकते हैं। अपने आप को विवादों से दूर रखिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी जैसे आपके ऊपर है, शनि आप ही की राशि में चल रहे हैं, तो विवादों से दूर रखिए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा काम कारोबार के लिए भी स्थिति सामान्य रहेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि धन स्थान पर गुरु चंद्रमा का राज जो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के भी संकेत दे रहा है जी। मैं जी देखिए मकर राशि वालों पर 7.5 चल रखी है, इसके अगली जो राशि कुंभ पर भी 7.5 चल रखी है, तो इनके लिए कैसा है। देखिए कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा है, जब लगन में गज केसरी राजयोग बनता है तो बहुत ही शुभ है। इसको इस तरीके से लीजिए, अगर किसी बच्चे का कल जन्म होता है इस गज केसरी राजयोग में, जो कि रक्षाबंधन के दिन बन रहा है 8 बजे से, उसके बाद जितने भी बच्चे जन्म लेंगे आने वाले 54 घंटे में, खासकर जो पहले 1.5 दिन में जन्म लेंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की डिग्री भी बड़ी पावरफुल होगी जो गुरु के साथ रहेगी, और उनको विशेष लाभ मिलेगा, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए समय मानसिक तनाव से मुक्ति का रहेगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, आपका विवाह का भी योग बन सकता है इस समय, या रिश्ता तय हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी, तो हर लिहाज से ये आपके लिए समय परफेक्ट रहेगा। इस समय कोई शुरुआत करनी है तो कर डालिए, बहुत जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी और 12वीं राशि के बारे में जो कि मीन है। मैं जी बताएं मीन राशि वालों के ये राजयोग जो बनता है 12वें घर में बनता है। देखिए 12वें घर में जब भी कोई राजयोग बनता है तो वो उतना पावरफुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस राजयोग के कारण जो लोग ज्योतिष धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मंदिर इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, और जो लोग टीचर हैं जो लोग उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए समय परफेक्ट है आपका, यहाँ स्थिति आपको लाभ देगी। हालांकि 6वें भाव पे दृष्टि भी पड़ रही है तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप को विवादों से दूर रखें मीन राशि वालों, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मानसिक तनाव से बचें, और थोड़ा इस समय मन आपका बेचैन रह सकता है, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि भाई रक्षाबंधन के दिन यानी कि प्रातः सुबह 8 बजे से जब गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो कि तकरीबन 54 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन इन 54 घंटों में 12 की 12 राशियों के लिए यानी कि आपके लिए ये गज केसरी योग कितना शुभ फल लेकर आ रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आपकी जो एप्रिसिएशन होती है, आपकी जो आप हमारे एपिसोड्स को कैसा पसंद करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो जानना। और इसी के साथ देखिए अगर आपको मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, या फिर देखिए रत्न से आधारित कोई जानकारी लेनी है, तो वो भी आप इनसे ले सकते हैं। बस आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।